जो माइक्रोवेटिंग का कंसेप्ट था जिसके बारे में हम इतने दिनों से बात कर रहे थे, आज हमने इसको, अब मैंने चाहा, मैं सोचा रहा था कि आज वो कंसेप्ट आप लोगों को दिखा पाएँ, आज हम इसको फिजिकली प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हेल्प डेस्क है, यहाँ पे मिस्टर अवनीश हैं। मिस्टर अवनीश, आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आपका क्या रोल है यहाँ पे, आप कर क्या रहे हैं? सर, यहाँ पे हमारे ये हेल्प डेस्क है जिसमें हम लोगों ने ये वेलनेस किट लगा रखा है, ताकि जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं उन्हें हम ये दे रहे हैं ताकि वो इसमें अपना हैंड सैनिटाइज कर सकें। अच्छा जी, इसमें क्या क्या है? सर, इसमें आपका एक पीस ग्लव्स है, हैंड सैनिटाइजर है और मास्क है। राइट, ठीक है सर। इसमें हमने ये सब जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उन्हें ये प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो बैठे बैठे अपनी जगह पे अपना हैंड सैनिटाइज कर सके। अगर वो ना उठना चाहें तो वो अपना बैठे बैठे अपनी पूरी बैटिंग को एंजॉय करते हुए अपना हैंड सैनिटाइज कर सके। वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक वेलनेस किट की तरह हमने लोगों को दिया है कि लोग अपने पास रखें पूरी वेडिंग के दौरान, बिकॉज ये इसमें इतना सैनिटाइजर है कि वो लास्ट तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर अमरीश। अमरीश जी, ये आपने ये यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? देख पा रहा हूँ ये सैनिटाइजर डिस्पेंसर है। राइट, अच्छी तरह अभी ये इसे लगाया कि जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं हाँ, वो बाहर ही अपना हैंड सैनिटाइज करें ताकि काम करता है, साथ ही इसमें हमने इसकी ब्रांडिंग कर रखी है जितने रूम और रूम का नाम है, रूम का ये सारी चीज़ें, साथ ही हमने सब जगह जगह पे प्लेस कर रखा है। अच्छा, ताकि लोग जहाँ पे हैं वहीं पे अपना हैंड सैनिटाइज कर सके, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा चल के ना जाए। ये यूनिक कॉन्सेप्ट हमें इसलिए डाला है। प्रिकॉशनरी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा गया है, हर जगह कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स लगाए गए हैं, सो दैट कि लोग अपने बिल्कुल पास में ही उस चीज़ से वहाँ तक पहुँच पाएँ और अपने हाथों को सैनिटाइज कर पाएँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता फ्रॉम वेडिंग सूत्रा। टुडे वी आर डूइंग द फर्स्ट माइक्रो वेडिंग एट रमाडा लखनऊ, वेयर वी आर इंश्योरिंग दैट एवरी गेस्ट एंड स्टाफ इज यूजिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स, दैट इज वेयरिंग मास्क, यूजिंग सैनिटाइजर्स, वेयरिंग ग्लव्स, and we are also come up with one of the one which we feel ki jab hum bahut sare logo ko apne weddings mein nahi bula sakte hain to we are trying to get it connected virtually where we are using zoom to get the connection. If you keep look at this, people on the screen have joined and they are seeing the ceremonies virtually throughout the various cities all over the world that could be virtualized worldwide, and we are also using sanitization to all our equipment, all our furniture, all the hard surfaces where people are standing, people are touching all the time. So let's meet our technical professional and Mr. Namit, and he would like to tell us more about this, about the virtual thing. Hello, good evening Adnan. Basically Adnan, we are doing that virtual into events on Zoom, and you see that in our computer screen there are the people which are getting attached to us from the Zoom, and the people those are not comes to weddings and they are वो जो नहीं आ पाए हैं या जो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो लोग नहीं आ पाए हैं उन लोगों ने वर्चुअल इवेंट के थ्रू, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस वेडिंग को ज्वाइन किया है और दे आर इन्जॉइंग द वेडिंग एज वेल एज लाइव दे आर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई लोग जुड़ रहे हैं जो लाइव हमारी शादी को देख रहे हैं और उस चीज़ को प्रॉपर एक वर्चुअल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है जूम के थ्रू। तो और यहाँ पे हमने डिस्प्ले भी लगा रखा है, आपने देखा वो डिस्प्ले, कि जो यहाँ ऑडियंस बैठी है हमारी, जो हमारे गेस्ट हैं वो इस चीज़ को लाइव देख भी सकते हैं कि हाँ हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ इन जो लोग जुड़े हुए हैं उनको हम यहाँ से एक दूसरे से बात भी करा सकते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर अपने से बात कर सकते हैं। हमारे जो भी हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं और जो हमारे गेस्ट के जितने भी लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में बात कर सकते हैं एक दूसरे से, अपने जो है यहाँ के
एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सो दिस इज द वे वी आर डूइंग आर माइक्रो वेडिंग।